तो हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम दिलीप, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, आज की वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि जून मंथ के दौरान कौन सी डिवाइस को MIUI 12 का स्टेबल अपडेट देखने को मिलने वाला है। और साथ में दोस्तों आप सभी को ये भी बताने वाले हैं कि चाइना में कौन कौन सी डिवाइस को अपडेट मिल गया है और हमारे डिवाइस में ये अपडेट कब तक देखने को मिलेगा और क्या हम इस अपडेट को अपने मोबाइल में फ्लैश करके इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। आज की वीडियो में आप सभी को ये सारे फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह से रिलेटेड हमेशा वीडियो आती रहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को चाइना बीटा अपडेट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आप सभी पता है चाइना में रेडमी 7, रेडमी 7A, रेडमी नोट 5 प्रो, रेडमी नोट 5, रेडमी नोट 7S, नोट 7 प्रो, रेडमी नोट 8 प्रो, रेडमी K20, K20 प्रो, इन सभी डिवाइस को चाइना में बीटा अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना है। पर इन सभी डिवाइस के जो यूजर है, जो हमारे इंडिया में इन सभी डिवाइस को यूज करते हैं, उनका यह कहना है कि हम इस बीटा अपडेट को अपने डिवाइस में फ्लैश करके इंस्टॉल करें या नहीं। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि बीटा अपडेट में बहुत सारे प्रॉब्लम एंड बग्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि बीटा अपडेट को टेस्टिंग सीजन के दौरान ही रोल आउट किया जाता है। तो बीटा अपडेट में आप सभी को बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस बीटा अपडेट को अपने मोबाइल में फ्लैश करके इंस्टॉल ना करें, क्योंकि आप सभी पता है कि हमारे इंडिया में जल्द ही हो सकता है अपडेट देखने को मिलेगा। तो आप लोग इंडिया स्टेबल अपडेट के लिए वेट करें। और दोस्तों, रेडमी K20 और रेडमी K20 प्रो, इन दोनों डिवाइस के बारे में भी आप सभी बता देना चाहते हैं कि आप सभी पता है कि इन दोनों डिवाइस का MIUI पायलट टेस्टर जारी किया था और इन दोनों डिवाइस के यूजर ने MIUI पायलट टेस्टर को रजिस्टर किया है, तो उन सभी डिवाइस को सबसे पहले अपडेट देखने को मिलेंगे। और आप सभी पता है कि Xiaomi इंडिया ने कुछ दिन पहले ही एक क्लू दिया था और उस क्लू में आप लोग को ये देखने को मिला हो कि एक पजल टाइप का देखने को मिला होगा और आप सभी को उसमें 18 नंबर देखने को मिला होगा। तो दोस्तों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कि 18 तारीख को Xiaomi इंडिया हो सकता है कुछ ही बड़ा करने वाला है, हो सकता है हमारे इंडिया में MIUI 12 को लॉन्च कर दे, क्योंकि आप सभी पता है ग्लोबल लॉन्च हो गया पर इंडिया में हो सकता है अलग से लॉन्च किया जाए। अगर 18 तारीख को ऐसा कुछ नहीं होता है, 18 तारीख को कुछ अलग लॉन्च किया जाता है, हो सकता है ग्लोबल इवेंट को ही लॉन्च किया जाता है हमारे इंडिया में, तो हो सकता है कि आप सभी को ग्लोबल स्टेबल अपडेट में जो शेड्यूल वाइज आप सभी को डिवाइस का नाम दिया गया उसी तरह से आप सभी को इंडिया में भी अपडेट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना है। और दोस्तों, बात करते हैं कि जून मंथ के दौरान में कौन कौन सी डिवाइस को अपडेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी पता है कि ग्लोबल स्टेबल अपडेट में जिन सारे डिवाइस का नाम दिया गया, मैं आप सभी को स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेना। और मैं कुछ डिवाइस का नाम बता देता हूँ, रेडमी K20, रेडमी K20 प्रो, MI 90, MI 90 प्रो, इन सभी डिवाइस को जून मंथ के दौरान अपडेट देखने को मिलने वाला है। और इन सभी डिवाइस के जो पायलट टेस्टर को रजिस्टर किए हैं उनको सबसे पहले ये अपडेट देखने को मिलेगा और उसके बाद जून मंथ के दौरान में सारे यूजर को अपडेट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं आप सबको स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ और कौन कौन सी डिवाइस को ये अपडेट देखने को मिलेगा वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सभी को इसी तरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह से रिलेटेड हमेशा वीडियो आती रहती है। तो दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जो भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।